अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो गाइस क्या हाल है, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। इतनी सुबह सुबह आपका भाई कहाँ जा रहा है इतने सारे भंडों के साथ। ज़िंदगी में एक भंड ये हो गया है कि रात में हो गई थी गैस ख़त्म। हम लोग जो हैं वो सुबह सुबह उठ के जा रहे हैं गैस लेने। लिटरली ये देखें इतनी तेज़ धूप निकली है, इतनी तेज़ धूप निकली है कि आँख भी नहीं खुल रही है। तो बस अब जाते हैं फटाफट से गैस लेते हैं और दिन की करते हैं यहाँ से हम लोग शुरुआत। याला हबीबी व्लॉग्स का बीबी। सुबह सुबह का टाइम और ये चेक करें, इतना रश है यहाँ पे अभी भी। पता नहीं छुट्टी वाले दिन भी ये लोग घूम रहे हैं, वीकेंड वीकडेज वाले दिन भी ये लोग घूम रहे हैं, घूम ही रहे हैं लोग। काम कौन कर रहा है जब सब घूम रहे हैं। नींद में खैर तो हम लोग जा रहे हैं क्योंकि चाय भी नहीं पी, उठ के गैस नहीं थी घर पर। तो बस सबसे पहले सिलेंडर लेने हैं और कहीं पर रुक के पहले चाय लेनी, क्योंकि आपको पता है आपके भाई का दिमाग नहीं चलता जब चाय नहीं मिलती। तो जी गाइस फाइनली यहाँ पे हम लोग आ गए गैस सिलेंडर अपना चेंज करवाने के लिए और वह फटाफट से चलाते हैं चेंज। अल्हम्दुलिल्लाह से गैस हम लोगों ने कर लिया है चेंज और अब जा रहे हैं वापस। लेकिन उससे पहले यार चाय लेनी है क्योंकि सर में ऐसा दर्द हो रहा है टाइट और नींद में टुनटुना हो रहे हैं। हमें असल में जो है ना वो डर लग रहा था पापा से, क्योंकि पापा ने अल्टीमेटम हमें दे दिया था कि बेटा गैस ख़त्म होने वाली है ले आओ। लेकिन हम तो फिर हम दोनों जो है वो तो खैर अब चलते हैं और खाना वाना भी क्योंकि कल आधा बना है आधा रुक गया है। तो बस अब चाय पकड़ते हैं और निकलते हैं। ये मिल गया बूफ, यहाँ से पकड़ते हैं चाय। तो जी चाय आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, आपके भाई को सुकून मिला चाय देख के। और जोहर की भी टाइम हो गई है, अजानों की आवाज़ आपको आ रही होगी। मेला चौथा था गुड्डू। अच्छा भाई कौन बाबा जी, बाबा की बेटी ज्योति की मुन्नी आई है जो मुश्किल आ रही है। तो जी गाइस ये बन गया खाना, ये आ गया कीमा पालक, ये आ गई दाल, ये आ गए चावल। अहमद भाई ने शुरू कर दिया है, अहमद और पापा ढाबा दब दिए जा रहे हैं और बस इधर आ गया लीना। और ये आ गया हमारा छोटा सा सैयद डायमंडवर .com। और ये हम लोगों ने जो बनाए थे ऑरेंज जूस, ये भी आ गया, बर्फ बर्फ डाल दी, अब खाते हैं खाना। तो जी गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से ये हो गए रेडी, ये हमारे हाँ अहमद भाई हो गए रेडी। और ये चेक कर लें माशाल्लाह माशाल्लाह बाबा इन्ना वाला मुन्ना कौन, इनकी चुस्नी निकालो बाबा इन्ना वाला कौन लग रहा है ये दम, इनकी जूते देखे भाई जेली भी है, इन्हें पाले कप कितने छोटे पापा मामा ने ये दिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह ये हमारी अलीना भी हो गई एकदम कटरीना कैफ। और ये अब हम लोग निकल रहे हैं। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं जुबैल, आज आपको दिखाएंगे जुबैल का करेंगे टूर पूरा इंडस्ट्रियल एरिया और वहाँ पे कॉर्निश है वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। और उसके बाद वहाँ पे एक फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत बेहतरीन उसका खाना है, नए नए खाने आपको दिखाते हैं वहाँ के। तो बस अब वेट कर रहे हैं अम्मी पापा का, जैसे इंशाल्लाह अम्मी पापा निकलते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं अपना सफ़र। तो जी गाइस सब रेडी हो गए और आप चेक करें पापा का, ओ हो पापा ज़बरदस्त हो गया भाई। और ये हमारे अहमद भाई आ गए और गाड़ी अहमद भाई चला रहे हैं और हम लोग सब पीछे बैठ रहे हैं, मैं अलीना और अम्मी पीछे बैठेंगे। और सब रेडी हो गए, हाँ भाई रेडी हो अम्मी रेडी, तो पापा तो बिल्कुल सलमान खान लग रहे हैं हमारे। इसका सिकंदर मैं, चलें बस अब चलते हैं रास्ता सफ़र अपना शुरू करते हैं। एक स्टॉप हम लोगों ने ये दुकान पे लिया है, कुछ खाने पीने का आइटम उठा लें रास्ते के लिए। आ गया सारा सामान और अब चलते हैं रास्ते के लिए। चलो सीन है कुछ ऐसा कि रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह से चल रहा है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं व्लॉग में, और हम लोग सब यहाँ बातें भी हो रही हैं, वो भी हो रहा है। और ये चक्कर है, ये आ गए दाइम और पापा और ये आपका भाई शीशे में छोटा सा नज़र आ रहा होगा और ये हमारे यहाँ पर दूसरे शीशे में नज़र आ रहे हैं। और बस चल रहा है रास्ता चल रहे हैं आगे। Mr. Fuzzy, to the sky,
से पहुंच गए हम जुबैल, और आपको दिखाते हैं जुबैल। यहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं, वो चादर लेके खड़ा हुआ, उसकी चादर नहीं रुक रही है। ये सारे आ गए और चादर 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 पकड़ के, ये चादर पकड़ ली हम लोगों ने। जैकेट वैकेट आपके भाई ने पहन लिया, सर्दी हो गई है। और ये अहमद भाई हमारे जो है वो नमाज़ के लिए खड़े हो गए, तो बस अब फटाफट से हम लोग मगरिब की नमाज़ पढ़ लें वरना कज़ा हो जाएगी, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे के प्लान्स। अल्हम्दुलिल्लाह से नमाज़ पढ़ ली और नमाज़ पढ़ ली, पढ़ रही है। और हरीना और पापा सर्दी से बचने के लिए आगे पीछे जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे हवा नहीं है, क्योंकि हवा वाकई बहुत तेज़ है। अब हमारा कुछ प्लान है यहाँ आगे जाने का, अगर आप लोगों को दिख रहा हो सेंट्रल पॉइंट है, और ये एक गैलरी मॉल है जो बैल का। हमें क्या खा रहे हो यार, भूख लग रही है, जो रुक के चिप्स वगैरह हमने ली थी। हाँ ये खा रहा हूँ, तुम लोगों से बातें कर रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ। ये चेक करें, हम आ गए मॉल में। ये फिर आते के साथ ही सबसे पहली दुकान जो है ये ख़तरनाक दुकान है, आपको जैसे कि हम बता चुके हैं दो तीन मॉलों में। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और ये बड़ा प्यारा माशाल्लाह जो है वो मॉल बना हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये देखो ये सारे यहाँ पे ये सारे शॉप्स आ गई हैं। और ये चेक करें, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, बहुत प्यारा। ये जो है ये आ गया यहाँ पे मूवी का भी जो वेल में वॉक्स, इन लोगों ने खोल दिया। ये पहले जब हम आए थे तो अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब ये बना लिया है। और ये देखें आप, आ हा 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 ज़बरदस्त, ये सारे प्यारे यहाँ पे जो है वो ज्वेलरीज वगैरह भी हैं, चेक करें। ये हम लोग आके यहाँ पे बैठ गए, ये आ गए अम्मी, ये बैठ गए इधर अलीना, और ये आ गए पापा, और ये मेला बेटा अंदर इसके, ये रहा, ये आ गए जम्मू जी। ये इतनी देर से जो है ये स्टॉल में हम दिन को बैठा दिया था, क्योंकि तंग कर रहे थे, इनको सर्दी वर्दी लग रही थी। और बस अब जो है वो ऊपर हम लोग जा रहे हैं यहाँ से ऊपर, और जाके क्योंकि यहाँ पे एक सेंट्रल पॉइंट है जहाँ पे अम्मी कह रही थी अम्मी को जाना है, ये लोग यहाँ पे हैं। और अम्मी फिर कोई दूसरी दुकान पर चली गई हैं, पापा खड़े थे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमने सारा सामान रख दिया दम्मू के ऊपर ताकि इनको जल्दी नहीं लगे, बाबा को जल्दी लगती है ना, आप जो देती है ना, आप चिशनी वही चिशनी जो निकाल लें, एक एक कुछ। इतनी सर्दी के बाद अंदर आए हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम सर में दर्द शुरू हो गया था, इतनी तेज़ हवा माशाल्लाह, क्योंकि दमाम में इतनी सर्दी नहीं थी, जुबैल में काफ़ी सर्दी हो रही है। सेंट्रल पॉइंट में ये बहुत ज़बरदस्त जगह है, ये मैंने आपको पहले भी एक दरान मॉल के ब्लॉग में दिखाया था। अंदर की बाकी की चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ अंदर पहुँच के। जी गाइस, ये लोग इधर आके देख रहे हैं अपने पर्स और शूज़ वगैरह, इन लोगों ने कहा कि ईद की शॉपिंग शुरू कर दी जाए अभी से, और हम दोनों को जाना है यहाँ पे आगे। हम लोग भी देख लेते हैं कि अगर कुछ ईद का कुछ समझ में आए यहाँ पे। यार अहमद भाई गलत ले आए, इन लोगों को यहाँ पे निकल ही नहीं रहा यार, ये लोग तो बाहर, मुझे लग रहा है कुछ ले गए ही निकलेंगे, अपने कार्ड वार्ड संभाल के। मैं तो कह रहा हूँ हम दोनों बाहर निकल के गाड़ी पे बैठ जाते हैं, जाके बचत हो जाएगी बाबू। नहीं नहीं, अपना पर्स ही गाड़ी में, हाँ गाड़ी पे। अरे मैं तो भूल गया था, मैं तो गाड़ी घर पे भूल गया। ओ यस, ओ
चले एक काम कर, 200 रुपया दे और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। परसेंट ऑफ है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने ले लिया गॉल परफ्यूम यहाँ से, और ये ज़रूर विज़िट करें, 50% ऑफ है सारी परफ्यूम्स में जैसे कि आप देख सकते हैं, और बेस्ट स्मेल एवर। सो जी यहाँ पे हमारे अहमद ने फरमाइश करी है इसको स्वीट कॉर्न खाने हैं, तो टेस्ट करके देखते हैं। अच्छा सादा है, अच्छा मजे का। शॉपिंग आपके भाई की भी हो गई थोड़ी सी, और अब हम लोग निकल रहे हैं बाहर की तरफ। अम्मी और पापा आए, वो अगर आप देख सकते हो तो पापा दाइम को लेके खड़े हुए हैं। पापा सब चलते हैं यार, कुछ खाना पीना करना है। ओह गाइस मज़ा आ गया, पहली दफ़ा मॉल में ऐसा हुआ है कि मेरा खर्चा नहीं हुआ और मैंने खर्चा करवाया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो अब हम जा रहे हैं, निकल गए हम लोग, गाड़ी में सारे बैठ गए, बाहर निकल के फिर सर्दी ऐसी लगी है, और अब जा रहे हैं डायरेक्ट ग्रिलो रेस्टोरेंट, वहाँ पर जाके आपको दिखा देंगे आज हम लोग को रात में क्या खाना है खाने में। हम पहुंच गए हैं लास्ट में अपने बेहतरीन रेस्टोरेंट ग्रिलो में, और यहां पे अभी हम आएंगे कि मज़े मज़े के खाने और आपको दिखाएंगे और रिव्यू देंगे। अगर आप लोगों को मेन्यू यहाँ पे देखने के खाने में क्या क्या है, तो ये है तरीका उसका, क्या ये आपने किया बारकोड स्कैन और ये आ गया आपका मेन्यू पूरा। गाइस अपना सैलेड हम लोग खुद बनवा रहे हैं, चेक करें। तो जी गाइस सीन ये है कि ऑर्डर आपके भाई ने कर दिया है और सैलेड भी बनवा लिया है, और अब जो है वो फाइनल ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। फाइनल ऑर्डर आता है तो आपको दिखाते हैं क्या क्या आइटम।
गाइस ये चेक करें, ये आ गया ऑर्डर हमारा, ये आ गया शवरमा पाए, ये रोटियां आ गई, ये आ गया केचप वगैरह, ये आ गया ब्रोस्ट, ये है चॉकलेट पाए, सैलेड और रोटियां आखिर में फिर से। और सब ने हमला बोल दिया खाने पे, आपका भाई सिर्फ ब्लॉगिंग कर रहा है और इन लोग का खाना फोड़ रहे हैं, तो हम शुरू करें। तो अहमद भाई टेस्ट करवाते हैं। वाह 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 वाह। तो गाइस ये है न्यूबेला चॉकलेट का और ये इसका टेस्ट का तो बनता है। मजा आया। तो जी गाइस ये वाला जो फैंटा है ये सेटिंग है पूरी फैमिली की, जो इनडोर टाइप के उसमें बैठना चाहते हैं उसके लिए। तो जी गाइज अल्हम्दुलिल्लाह से रात का खा लिया है खाना और अब चलते हैं घर की तरफ, थकान हो गई है काफ़ी, अब निकलते हैं घर। तो जी गाइज अल्हम्दुलिल्लाह से फाइनली आ गए घर, अलग 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 शुक्र है। थकान हो गई है बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है जो वेल का। तो अहमद भाई ने हमारे बीच में उसमें दो गड्ढे मारे हैं। अहमद भाई क्या बोलना चाहेंगे? गड्ढे नहीं थे, खाई थी, खाई थी लिटरली खाई हुई। और ऐसी मैं ये ढलन की ओर जा रहा था और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी, रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी इधर चले कभी उधर चले, जोर की वो खाई पड़ी, ऐसे जोर के वो गड्ढे पड़े, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग होके आ गए फारी। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से करते हैं इस व्लॉग को यहीं से एंड। अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गया, सामान वामान रखना शुरू करते हैं, यहाँ से करेंगे इस व्लॉग को एंड। उम्मीद के साथ कि ये व्लॉग इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, और नहीं आया तो यार पसंद करने की कोशिश कर लो ना यार, थोड़ा सा प्यार दिखाओ भाई को, जिस तरह दिखा रहे हो माशाल्लाह से, जिस तरह आप लोगों का प्यार आ रहा है बहुत खुशी हो रही है और बहुत मोटिवेशन मिल रही है और अच्छे से अच्छे व्लॉग आप लोगों को दिखाने के लिए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाएं। मिलेंगे कल आपसे एक नए व्लॉग में। या अल्लाह हबीबी व्लॉग्स कभी भी। अल्लाह हाफ़िज़।